सर, बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कलेक्ट्रेट से भी हटाए गए, सबसे पहले शुरुआत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आज हमने सारे हमारे SDM, CEO और SOs के साथ मीटिंग करी है और सभी को टीमें बना के लगाया है। हमने कुल हमारे 5 विधानसभा है जिसमें कुल 30 टीमें इसके लिए बनाई है और एक विधानसभा में 6 टीमें हैं और सभी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और इसमें हमने आज कलेक्ट्रेट से शुरुआत करी है और इसके अलावा अभी शहर में जो एरिया है जहाँ बैनर पोस्टर लगे हैं वहाँ पर नगर पालिका के सहयोग से हम ये कार्यवाही शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रयास है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी ये प्रचार प्रसार सामग्री लगी हुई है उसको हटा करके जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है और उसके जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन कराया जाए। जो दीवारों पे सर पेंटिंग वेंटिंग किए रहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? उसको डिफेसमेंट करने का प्रोविजन रहता है, उस पर कलर करके उसको मिटा दिया जाता है और हम प्रयास करते हैं कि जो उम्मीदवार है या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मिटा दें और अगर वो नहीं मिटाते तो अगर हम उसको मिटाते तो उनका जो व्यय है उनका उनसे वसूल किया जाना का नोटिस भेजा जाएगा और उनसे वसूल किया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।